नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के बयान से मचा हड़कंप। पी उन्होंने कहा कि सांसद ब्रजभूषण सिंह को टिकट न मिलने से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा है, या तो दुखी है या वो दुखी है। विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि हालात सुधारने के लिए, शांत व्यवस्था बनाने के लिए बुलडोजर की आवश्यकता है। विधायक ने कहा कि बाबा की बुलडोजर से जनता प्रसन्नचित है। कोलकाता हाईकोर्ट भी बाबा की बुलडोजर की प्रशंसा की है। विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच समझकर टिकट नहीं दिया होगा। उनके पुत्र करण भूषण को टिकट दे दिया है जो चुनावी मैदान में है। जहां तक आपने जिनका नाम लिया, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। टिकट न देने के पीछे कोई कारण रहा होगा। और जहां तक बुलडोजर की बात है, तो 7 साल से उत्तर प्रदेश की जनता तो प्रसन्न है ही है बुलडोजर के काम से। पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने भी कहा ममता बनर्जी से कि अगर आपके पास बुलडोजर की व्यवस्था न हो तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी से आपको किराए पर ले लेना चाहिए। आप देश की बात छोड़ दीजिए, फिलीपींस में आक्रमणकारियों और आतंकवादियों को भगाने के लिए वहां भी बुलडोजर को अपनाने का काम फिलीपींस की सरकार ने भी किया है। तो आप समझ लीजिए कि बुलडोजर कितना कारगर है और कितना उन आतंकवादियों या अपराधियों के विरुद्ध वो कार्य करने में सक्षम है। उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, पर इस समय उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 6 बार के सांसद हैं और टिकट काट दिया गया तो वो कुछ कह सकते हैं। मानसिक संतुलन हो सकता है, या दुखी हो, या सोच रहे हो कि हमसे बड़ा प्रत्याशी हमारे लड़के को मान लिया हो पार्टी ने। जो भी बात हो ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन वो तो अगर उनके जनाधार बढ़ाने से अगर जनाधार बढ़ता होता देवी पाटन मंडल का, तो अमित शाह जी क्यों आते? अगर उनके ही बढ़ाने से जनाधार बढ़ता होता तो आदित्यनाथ जी क्यों आते? अगर उनके बढ़ाने से ही जनाधार बढ़ता होता तो 21 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी क्यों आते? इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही और भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी जी और मोदी जी ही, भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, मोदी जी और उनके बड़े नेता मिलकर ही इस जनाधार को अपनी नीतियों के कारण आगे लेकर के जा रहे हैं। इस पर किसी व्यक्ति विशेष का पहला प्रश्न तो आपने कहा कि आप राजपूत नेता हैं, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। हम ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में, जहां बहुत कम मत प्रतिशत में ठाकुर हैं, और ये हमारे क्षेत्र के मतदाताओं की कृपा हमारे ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी की कृपा है, वो बार बार मुझे टिकट दे करके और उनकी, भारतीय जनता पार्टी की गरीबों को देने वाली जो नीति है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे इज्जत घर हो, चाहे हर घर बिजली हो, चाहे हर घर नल हो, चाहे हमारे प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल की मरम्मत हुई हो, चाहे एएनएम सेंटर का कायाकल्प किया गया हो, चाहे पेंशन 300 से बढ़ा करके 1000 की गई हो, कुछ रोगियों को 3000 रुपये पेंशन दी जा रही हो, जो इनकी नीतियां हैं, और 80 करोड़ लोगों को देश में फ्री में खाद्यान्न दिया जा रहा हो कोरोना से अब तक के, तो जो इनकी नीतियां हैं, नीतियों के कारण ही हमको भी सफलता मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी सफलता मिल रही है। अगर कोई ये कहे कि हम पार्टी से बड़े हैं, जिस दिन किसी भी व्यक्ति की, राजनीतिक व्यक्ति की ये सोच हो जाती है कि हम संगठन और पार्टी से बड़े हैं, उसी दिन वो समाप्त हो जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।